नथिंग फोन वन। हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो नथिंग ब्रांड है वो अपना नथिंग फोन वन इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, वो बहुत हाइप बनी हुई है। मगर अभी इस वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके सैड बात करेंगे, मतलब यहाँ पर जो लीक्स आई हैं वो थोड़ी इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियो देखोगे तो आप लोग खुद बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था नथिंग ब्रांड को और लग रहा था मुझे कि भाई वन प्लस को रिप्लेस कर देगा हमारा नया ब्रांड नथिंग, और बट ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखते हैं, हो भी सकता है, बट अभी हम जो स्पेसिफिकेशन जो आई हैं लीक्स उस पर बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बिल्ड डिज़ाइन की बात करता हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है ही, प्राइस एंड लॉन्च बाद में बात करेंगे, पर बिल्ड डिज़ाइन में जो बात करता हूँ वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी भी मुझे फ़ोन का बहुत लुक अच्छा लगा है, एंड जो पीछे का जो लुक दिया गया है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील करवाता है। डिस्प्ले में मैं अगर बात कर लेता हूँ तो 6.5 इंच का फुल HD प्ले डिस्प्ले, OLED वाला डिस्प्ले मिलेगा, सेंटर पंचोल मिल जाएगी, 120 रिफ्रेशिंग रेट 90 मिलेगी। अब बहुत ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वहाँ पर भी बढ़िया काम, तगड़ा काम किया है, अच्छा डिस्प्ले, स्मूथ डिस्प्ले है। बट बात आ जाती है चिपसेट पे। हाँ, हमने मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में, अगर आप लोग मैंने देखा होगा नथिंग फोन वन के ऊपर जो मैंने बनाया था, जो उसके ऊपर हम इस टॉपिक पे बनाया था, तो भाई उसमें मैंने कहा था कि इसमें स्नैपड्रैगन का 7 जेन वाला आपको चिपसेट मिलेगा जो बहुत ज़्यादा बढ़िया एंड पावरफुल चिपसेट है। बट यहाँ पर जो भी लीक आई है वो आ गई है भाई कि स्नैपड्रैगन का 778G प्लस वाला चिपसेट मिलेगा। देखिए चिपसेट अच्छा है मगर उस प्राइस में जस्टिफाई नहीं करता है, और स्नैपड्रैगन 778G है ना उससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस में बेटर है वरना, बट उस प्राइस में जस्टिफाई नहीं करता है। चलिए कैमराज में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मेन कैमरा जो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिल जाने वाला है भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का देन 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 4K रिकॉर्ड कर पाओगे, OIS का सपोर्ट शायद मिल जाए, सेल्फी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाने वाली है सेंटर पंचोल के साथ, वहाँ से 1080 वीडियो बना पाओगे, तो ऑन डिपार्टमेंट कैमरा ऑन पेपर तो अच्छी लग रहे हैं। बैटरी में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बैटरी यहाँ पर जो आप लोग मिल जाती है 4.5 mAh की बैटरी प्लस टाइप सी एंड 45W की फास्ट चार्जिंग। UMI जो है वो आपको यहाँ पर नथिंग OIS के साथ आएगा तो वो भी बढ़िया आएगा। ये पूरा यहाँ पे नथिंग फोन वन। अब देखिए डिसअपॉइंटिंग तो बस एक ही चीज़ है, वो है इसका चिपसेट। अगर चिपसेट ही तगड़ा दे देते, वो स्नैपड्रैगन 7 Gen दे देते ना 7 Gen, तो भाई बात अलग हो जाती, बट नहीं दिया है तो ये मुझे ऐसा कहीं से भी थोड़ा बढ़िया नहीं लगे। देखिए 30,000 रुपये भाई, भाई यहाँ पर आप लोग को ये 30,000 रुपये में एक स्नैपड्रैगन 778G प्लस दे रहे हैं भाई, उस प्राइस में जस्टिफाई नहीं करता। अराउंड 20,000 रुपये के स्मार्टफोन में मिल जाएगा आप लोग को। अब तो मेरे हिसाब से कमेंट करके आप लोग अपनी राय मुझे बता सकते हैं, आप लोग क्या लगता है। एंड फाइनली प्राइस एंड लॉन्च की बात करता हूँ तो 30,000 रुपये की इसकी प्राइस होने वाली है, 8GB RAM 128GB वेरियंट की। लॉन्च की अगर बात करें तो 12 जुलाई को ये आपको इंडिया के अंदर देखने मिलने वाला है, वैसे भी आप लोग सब तो जानते हैं ऑफिशियल है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो भाई ये एक सैड न्यूज़ है, मैंने सोचा आप लोग से उसे शेयर कर दूँ। वैसे तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे डिज़ाइन फ़ोन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड डिस्प्ले अच्छा लगा, एंड जो उसका OS भी बोला जा रहा है भाई ऑक्सीजन OS के जैसे ही यानी होने वाला है, और वन प्लस का भी फील आएगा आपको उस फ़ोन के अंदर देख लीजिएगा। तो भाई मुझे लगा कि यार वन प्लस का भाई रिप्लेस आ गया है और आपको अच्छे प्राइस में वन प्लस कोई मिलेगा, मतलब नथिंग ब्रांड बोलकर। बट लेट्स सी, कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो और मोबाइल कैसा लग रहा है, आप लोग लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर लो, हम कोशिश करते हैं आप लोग के लिए डेली वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।